क्या औरतों का खतना जायज है? बाज अफ्रीकन कंट्रीज में ये रिवाज है। इसमें आप देखिए कि ये उनका एक लोकल रिवाज है, इस्लाम ने औरत के खतने का हुक्म नहीं दिया हुआ। याद रखिए, किसी हदीस में औरत के खतने की बात नहीं आती, मर्दों के खतने की बात आती है, और उनके लिए तो प्रूव हो चुका है कि उनकी सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन अगर किसी खास इलाके में या किसी खास कल्ट में ऐसी कोई चीज है तो वो उनका लोकल कल्चर है, इट्स नथिंग टू डू विद इस्लाम। और इस पे बहुत प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, आपको पता है, मैंने खुद कई जगह पर ये पढ़ा है कि इस्लाम ने औरत पे बड़े जुल्म जो ढाए हैं, उनमें से एक जुल्म ये भी है कि बाज इलाकों में औरत के खतने होते हैं। ये इस्लाम ने जुल्म नहीं ढाया, ये लोकल कल्चर की बात है। और अगर किसी इलाके का कल्चर ऐसा और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और कल्चर भी साथ साथ रखा, अब मसलन आप किसी दिन ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दें कि जो कांच की चूड़ियां होती हैं अगर टूट जाए तो औरत बेचारी का वो खून निकाल देती हैं और ये बड़ा जुल्म है, इसलिए इनको बनाना बंद करना चाहिए, तो अब ये इस्लाम ने थोड़ी आपको कहा कि आप कांच पहने, आपका लोकल कल्चर है, किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता, तो आपकी मर्जी, आप पहने ना पहने, पहने तो एहतियात करें, नहीं पहने तो ना पहने। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें इस्लाम ने ना करने को कहा है और ना छोड़ने को कहा है।